चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, यश शर्मा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 280 है, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो यश, सबसे पहले 280 रैंक के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू सर। तो यश, आपका, क्योंकि जैसे मुझे पता है आपका ये सेकंड ड्रॉप था, लास्ट ईयर आपका रैंक अच्छा नहीं था, तो आपने एक जी ड्रॉप और लिया, और सेकंड ड्रॉप लेने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, विल पावर लगती है। तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा वो आप बताओ कि आपने कब, पहले तो कब से आपने सोचा, किस तरह से आपने यस प्रिपरेशन सर। की, है ना? तो वो मैं चाहूंगा कि वो पूरी चीजें आप बताओ। सर पता तो हमको चल गया था आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में 2021 में ही, मतलब जब सेकेंड ईयर में थे, ओके, निम लेकिन मतलब इम्पिटस 2022 में गुरुकुल का 2021 से आपको पता था? जी ठीक है, फिर जी हाँ फिर सर। लेकिन सर हमारे सीनियर थे तो वो प्रयागराज में, हमारा ग्रेजुएशन प्रयागराज में हुआ है, बीसीए ओके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। लेकिन तो हमारे सीनियर वहीं पे कोचिंग करते थे, वहाँ पे एक लोकल कोचिंग थी निमसेट की, ठीक है। तो हम वहाँ ज्वाइन कर लिए थे 2022 में। पर वहाँ का थोड़ा करिकुलम वगैरह ठीक नहीं था, वो याद वगैरह ज़्यादा कराते थे तो चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो 2022 का पेपर दिए, उसमें रैंक आई थी 1181 हमारी। ठीक है, लेकिन फिर हमने सोच लिया था कि ड्रॉप लेंगे, तो ड्रॉप ले लिए थे। फिर 2023 का अटेम्प्ट दिया, उसमें भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, लास्ट के केवल 3 महीने पढ़ाई किए थे, पूरा साल निकल गया टहलते घूमते, और सेल्फ स्टडी किए थे खुद से। आपकी टेस्ट सीरीज ली थी मैंने 2023 वाले में, तो टेस्ट सीरीज से हेल्प मिली थी, 961 रैंक आई थी। तो हमने मतलब मेहनत बहुत की थी, पर हमने ये सोचा था कि अब एग्जाम नहीं देंगे, अब जॉब वगैरह करने लगेंगे सीधा। और तो ठीक उसके है, लिए हम प्रिपरेशन करने लगे थे, और अमेठी यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन कराती है एमसीए, उसमें हमने एडमिशन ले लिया था 2023 के बाद से। ठीक तो है, 2 महीने 3 महीने बाद मम्मी ने हमसे कहा कि एक अटेम्प्ट और दे के देख लो ठीक है, निमसेट का आएगी। तो हमने सोचा कि ठीक तो कह रही हैं, करके देख लेते, पिछली बार से इम्प्रूवमेंट तो हुआ था। तो हमने फिर इस बार जब तैयारी की, तो हम बैच इस बार भी नहीं ले रहे थे, इस बार भी हम सोच रहे थे कि टेस्ट सीरीज ले लेंगे और खुद से पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे एक दोस्त फोर्स कर रही थी, कह रही थी कि बैच ले लो, बैच से ज़्यादातर बच्चों का हो जाता है। उसके साथ आपके कुछ पढ़ते थे स्टूडेंट्स, उसके साथ पढ़ते, तो जो आपके यहाँ के स्टूडेंट हैं उनकी मेहनत वगैरह देख के उसने कहा कि बहुत मेहनती बच्चे रहते हैं सर के यहाँ के, जो निकले हुए होते हैं, उनका मतलब उनकी आदत पड़ी होती पढ़ने की, पता नहीं कैसे पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ लेते हैं। तो हमको लगा कि पढ़ना चाहिए, तभी के लिए सर फिर आपकी जब हमने बैच ज्वाइन किए, तब उसमें हमको इम्प्रूवमेंट दिखाएगा फिर अच्छा, तब रैंक आई है ये। देखो बैच लेने का एक फायदा होता है, इम्पीटस गुरुकुल की, चाहे जी टेस्ट सर सीरीज हो, चाहे बैच हो या क्लासरूम कोर्स हो, जी सभी में सर मेहनत बहुत होती है। पर बैच का ये फायदा होता है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है। जैसे आपने अपनी जो जी जी इंटायर जर्नी बताई कि लास्ट ईयर आपने उतने सीरियस नहीं रहे टेस्ट सीरीज के बाद भी, हाँ और आखिरी 3 महीने हाँ पढ़े, पर उस वजह से क्या हुआ कि एक ड्रॉप और लग गया। मान लो आप पूरा बैच लिए होते हैं, हाँ कई बच्चे टेस्ट सीरीज में सिंसियर रहते हैं, पर कई बार अगर आप में रेगुलरिटी नहीं है तो बैच इस काम को हाँ बहुत डिसिप्लिन, ईजी कर देता है। यस सर, डिसिप्लिन तो नहीं था मेरे अंदर। हाँ, तो वो बैच ने आपके अंदर हाँ डिसिप्लिन ला दिया। अच्छा, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर जी बैच में ये होता है कि सुबह उठना ही पड़ता है, आपकी क्लास है, शाम को भी आप पकड़ के रखते हो। मेरी आदत है कि मैं दो टाइम पे आपको पकड़ के ही रखता हूँ। तो क्या हाँ एक्सपीरियंस रहा सर। आपका इम्पिटस के साथ जब आपने पूरा बैच ज्वाइन किया? सर बैच ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी हम लाइव क्लासेस नहीं लेते थे, हम रिकॉर्डेड ही देखते थे, क्योंकि उसमें कोर्स जैसे कंप्लीट था, 2 बार पढ़ चुके थे, तो लाइव में थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, रिकॉर्डेड में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते थे उसको। बिल्कुल, मैं तो कई बार तो क्लास में ही बोलता हूँ कि हाँ अगर आपको लाइव नहीं देखना जी है तो सेम डे रिकॉर्डेड देखना। रिकॉर्डेड में एक फायदा ये भी होता है कि आप, जैसे मैं कोई क्वेश्चन 2 बार समझा रहा जी हूँ, सर 3 बार, तो आप उसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के जी भी देख सर सकते हो, 2x स्पीड पे भी देख सकते हो। हाँ सर यही करते थे। और जैसे हम मतलब रात में ज्यादा पढ़ते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे तक उठ रहे हैं। और इस बार अच्छी चीज थी कि पेपर 2 बजे से था। पिछले साल हम मतलब आदत तो बहुत समय से पड़ी है मेरी, 2017 से आदत पड़ी रात में जगने की, लेकिन पिछले साल पेपर 9 बजे था तो जल्दी उठने पड़ा था, तो दिक्कत वो भी थी। और हमने आपको एक मैसेज किया था कि लास्ट ईयर मेरे पड़ोस में एक बच्चा टेस्ट में बैठा हुआ, एग्जाम टाइम में बैठा हुआ था मेरे पड़ोस में, तो उसने पढ़ा वड़ा नहीं था, ऐसे ही तुक्केबाजी की बातें कर रहा था, तो मेरा एग्जाम खराब हो गया था। तो हाँ इस याद है साल मुझे, हमने इस तुमने चीज पे बहुत ज्यादा बताया ध्यान, था। हाँ जी सर, इस बार हमने इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो जब पेपर देने गए थे तो 45-50 मिनट पहले पहुंच गए थे उस पेशेंट हॉल के अंदर। अब वहां पे हम पहले तो कॉफी पी के गए थे बाहर से, अब पहले तो अंदर आधा घंटा सोए हैं ठीक वही है, चेयर पर अच्छे अच्छे से सोए हैं। उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन किया है,
पानी वानी पी के तब बैठे हैं। अच्छा, किसी से बात नहीं की थी इस साल, पिछले साल थोड़ी बातें बातें हो गई थी। और सेंटर भी हमने इलाहाबाद नहीं डाला था, क्योंकि इलाहाबाद में हमारे जूनियर्स वगैरह आते तो उनसे बातें वगैरह होती, इसीलिए हमने सेंटर इलाहाबाद नहीं डाला था। सेंटर लखनऊ डाला था कि किसी ठीक है। संपर्क हाँ ना रख नहीं रखने उस दिन कोई भी। तब मतलब जो जैसा जैसा आपने बताया था हर चीज फॉलो की थी तो पाया था। देखो बिल्कुल सही बात बोली। देखो एक्चुअल में जब बच्चे ड्रॉप लेते हैं, जैसे अभी कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ड्रॉप लूं कि नहीं या सेकंड ड्रॉप लूं कि नहीं, पर मैं हमेशा हर बच्चे से बोलता हूँ कि ड्रॉप ले रहे हो ले लो, पर जो गलतियां आपने इस बार की वो ना करो। जैसे आपने कहा मैंने बच्चे से वो बात नहीं करने। की, मैंने बच्चे से बात की, आपने ध्यान रखा कि मैं सेंटर ही बदल लेता हूँ, बच्चों से बात नहीं करूंगा। मैं बोलता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंच जाओ, आग बंद करके बैठ जाओ, सो जाओ, पर किसी से बात मत करो। आपने वो करा, मेडिटेशन किया, पानी किया, मतलब पानी पिया, छोटी छोटी बातों पे हम जब ध्यान देते हैं तो वो चीज हमेशा रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, और वही ध्यान नहीं देते वही रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो इस बात का, क्योंकि यस तुमने इस बार बहुत ध्यान रखा, आज आपके सामने रिजल्ट है। नहीं रखते फिर वही गलती कर देते, फिर वही। तो मैं कई बार बोलता हूँ आप 10 ड्रॉप ले लो, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। जी तो सर, यश ये बताओ मुझे कि जब आप सेकंड ड्रॉप लेने का आप मन बना रहे थे, तो बहुत लोग घर वाले भी या बाकी सब भी सपोर्ट में थे, अगेंस्ट थे, या क्या प्रेशर था, या आप अपना माइंडसेट कैसे करा आपने अपने आप को तैयार, क्योंकि सेकंड ड्रॉप के लिए माइंडसेट करना आसान नहीं होता है। नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता है। और उस वक्त तो हालत खुद की बहुत ज्यादा खराब रहती है कि इतना इतना सबको विश्वास दिलाया है पहले ड्रॉप में ही कि इस बार रैंक लेके आएंगे, अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं हो पाता है तो सभी लोग कहने लगते हैं। मम्मी भी कह रही थी मेरी कि भैया आप कुछ करने लग जाओ, बहुत ज्यादा हो गया है, तुम बार बार वही चीज हो रही है। और हमको भी खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अब होगा नहीं, लग रहा नहीं, सेट बना नहीं, जो सपने देखे थे बड़े बड़े पूरे हो नहीं पाएंगे, लग रहा है। ऐसे सोचने विचार आने लगते हैं इस तरीके के कि अच्छी सैलरी वगैरह के सपने जो देखे थे वो सब चीजें हो नहीं पाएंगी। तो हम फिर वही पाइथन वगैरह पढ़ने लग गए थे, अमिटी यूनिवर्सिटी से कोर्स ले लिया था। तो हमने सोचा था कि एआई वगैरह का बूस्ट आ रहा है, बूम आ रहा है, तो इसमें जॉब करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा करियर बन जाए। ठीक है। लेकिन उसमें भी तैयारी हो नहीं पाई थी, खुद से कितना पढ़ लेगा आदमी। कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं जोड़े ज्वाइन किए थे, मतलब ज्वाइन किए थे पर डिसिप्लिन वाली वही बात है। और हालांकि हमने पिछले साल सीयूटी का भी एग्जाम दिया था, और सीयूटी में आईआईटी में आईआईटी कॉलेज मिल रहा था, त्रिपल में वगैरह कई लड़के कह रहे थे ले लो। कुछ लोगों ने बहुत सारे हमारे साथ 22 में 6-7 लोगों ने तैयारी स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने 22 में कॉलेज ले लिया, बहुत लोगों ने 23 में ले लिया। उसमें से एनआईटी केवल एक ही दो लोगों को मिला है, वो भी जिनकी कैटेगरी वगैरह रहती है, ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाता है। तो मतलब सीयूटी में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन हमारा ये 23 में सबसे अटेम्प्ट हमने जो दिया था 23 में, तो उसमें कुछ लड़कों का हुआ था, एक का अगरतला में, एक का एसबीटीआई में हो गया था बस, बाकी एनआईटी का किसी में नहीं हुआ था। तो इस साल ठीक है। फिर हर कोई कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया, कोई ट्रिपल एम चला गया, कोई आईआईटी चला गया, पर इस साल जो हमने ड्रॉप लिया उसका हमको बेनिफिट मिला ये कि ठीक है एनआईटी मिल देखो जाएगा। कंप्रोमाइज नहीं किया तो आज फाइनली अच्छी जगह जा रहे हो, वही जी समझौता कर सर, लेते हैं तो फिर आप जाते हो और बाद में आपको ये अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, यार काश एक साल और दे देते। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जब जी हम प्राइवेट में जाते हैं, कई बार जॉब मिल भी जाता है तो उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता, या कई बार जॉब नहीं मिलता, स्ट्रगल बाद में करना पड़ता है, बेटर है कि पहले ही कर लो। वो जो एक सही डिसीजन लिया आपने, तो यश आप मुझे एक बार बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बाई चांस नहीं आ पाया इस साल और वो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो शायद आपके कुछ ना कुछ रिप्लाई से उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस आए, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, अगर कोई ड्रॉप लेना चाह रहा है ड्रॉप उसको जरूर लेना चाहिए, लेकिन एक चीज है कि किसी अच्छे गाइडेंस मिले, सबसे खास करके कि आपसे बेहतर कोई गाइडेंस इस समय कर नहीं सकता है इंडिया इन इनसेट के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपकी बैच ज्वाइन करे, चाहे ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे। सेल्फ स्टडी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए किसी भी बच्चे को। और ग्रुप स्टडी अगर जो कोई कर भी रहा है, ग्रुप स्टडी के लिए भी मना करता हूँ कि अगर कर रहे हो तो एक या दो लोगों तीन लोगों बस ठीक है, 6-7 लोगों का कोई ग्रुप नहीं होता है कि 22 में यही गलतियां हम लोगों ने की थी। और अगर जो हाँ मतलब यही सब चीजें हैं सर कि आपका बैच जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप जो चीजें बताते हैं उससे बेहतर कोई और एक्सप्लेन कर नहीं सकता है। हमने हर एक चीज करके देखी है सर, ऑफलाइन कोचिंग भी दूसरी जगह जाके देखे हैं, सेल्फ स्टडी भी करके देखे हैं, फिर लास्ट में आपका बैच ज्वाइन किया तब हमको फायदा मिला है। तो नहीं ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि ग्रुप स्टडी या तो जी एक या दो, वैसे तो दो भी नहीं हो जी और दो से ज्यादा हाँ हुए तो फिर वो ग्रुप स्टडी नहीं होती, फिर वो नहीं मतलब ही नहीं रहता कुछ। और मैं हमेशा ग्रुप के जी अगेंस्ट सर, रहता हूँ, कई बच्चे बोलते भी ग्रुप बना दो, बोलता फिर वो ग्रुप का कोई मतलब नहीं रहता। तो बिल्कुल सही बात है हाँ यश। यश क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक भी अचीव की है, दूसरे ड्रॉप के बाद इतना मोटिवेशन भी रखा अपने आप को, आप जब पेपर हॉल में बैठे थे इस बार
तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके बैठे हुए थे, तो कहीं कुछ थॉट तो नहीं आता कि ड्रॉप लिया सेकंड क्या होगा इस तरह का, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये थॉट के साथ जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो आपके क्या थॉट थे एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं सर, पेपर में कोई भी इशू नहीं आया था, क्योंकि मॉक इतना दे लिए थे और बिल्कुल हमको मॉक के जैसा लग रहा था। आपने जो फाइनल मार्क वाली टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसमें 10-9-8 करके थे फाइनल मार्क्स, तो हाँ जो लास्ट तो पेपर हॉल वाले दिन हमने उसमें डाल दिया था फाइनल मार्क 0। तो मेरा मेरी आदत थी ऐसे कि जब भी मॉक देते थे तो फाइनल मार्क 10, फाइनल मार्क 9, इस तरीके से लिख लेते थे पेपर पे ही, जिस कॉपी पे दे रहे होते थे। तो उसी तरीके से हमने फाइनल मार्क 0 लिख लिया था, तो फील ही आ गई थी कि मॉक है ये, तो मॉक की तरीके से दिया था उसको। फिर ओके उसमें बिल्कुल पेपर वाला कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, बस जैसे मेडिटेशन करके बैठते थे मॉक देने के लिए, वैसे ही वहां मेडिटेशन करके वेरी बैठ गुड, रहे थे मॉक दे। एक मॉक ही था वो हमारे लिए 11 तारीख को। जी चलो सर, अच्छी बात है। तो यश, मैं चाहूंगा अगर आपकी मम्मी हो तो उनसे भी मिलूं, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। ओ मत जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई यश की सफलता के लिए। जी आपको भी, क्योंकि मेहनत तो आपने किया है, आप तो खाली पैसा लगा सकते हैं, बाकी तो सारा श्रेय आपको जाता है। जी, थैंक यू। और क्योंकि यश के साथ सेकंड ड्रॉप था, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी जी चिंता तो होती होगी, तो आप मुझे बताइए यश के बारे में भी, और आपको कैसा रहा आपका, मतलब क्या आपको फील किया करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं? थोड़ी नहीं बहुत चिंता थी हमको। अगर जो ये पहले ही ज्वाइन कर लेते आपकी कोचिंग, तो शायद ये शायद इनका साल ना बेकार होता। जी, हो सकता था, क्योंकि इन्होंने क्या लेट करा अपने हिसाब से करते रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं 1 साल इनका निकल गया। पर खैर, अंत भला तो सब भला बोलते हैं, तो फाइनली आज अच्छी रैंक के साथ यश ने एक रिजल्ट दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम तो आप ही को सारा श्रेय देते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। आप ही लोगों की इतनी मेहनत रख लाई, तो इन्होंने भी थोड़ा जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही किया। आपका मार्गदर्शन, जो आपने मार्गदर्शन कराया, ज्यादा करते अगर जो, तो हो सकता है इससे अच्छा और निकलता अच्छी भी इनका। आती। जी, नहीं पर अभी भी अच्छी आई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो एनीवे बहुत अच्छी रैंक आई है। एक बार फिर से आपको बधाई, और अब ये यश जो है एनआईटी में भी जाके ऐसे ही धमाल करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। जी जी ऑल द बेस्ट। जी जी थैंक यू राधे सर। राधे, राधे राधे। राधे राधे।